पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं MBC24 News Express। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। पनागर विधानसभा क्षेत्र विधायक सुशील तिवारी ने बरेला मंडल के उमरिया पंचायत के पोषक ग्राम केवलारी में पक्षियों को पीने के पानी के पात्र वितरित कर किया जन जागृति अभियान का शुभारंभ। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर बरेला मंडल अध्यक्ष प्रतीक दुबे ने बताया कि उमरिया पंचायत के पोषक ग्राम केवलारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पक्षियों के पीने के लिए पानी का पात्र वितरित कर एवं घरों में पात्रों को लगाकर जन जागृति का अभियान प्रारंभ किया गया एवं ग्राम के निवासियों ने विधायक सुशील तिवारी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। साथ ही विगत दिनों ग्राम केवलारी में पानी की समस्या को देखते हुए विधायक सुशील तिवारी द्वारा बोर कराया गया, जिसमें भरपूर मात्रा में पानी निकलता है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा एवं उमरिया के से केवलारी तक बहु प्रतीक्षित रोड के लिए विधायक सुशील तिवारी ने शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर रोड बनाने की घोषणा की। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी बरेला मंडल के पदाधिकारी एवं ग्रामवासी माताएं एवं बहनें उपस्थित रहे। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जरा चौधरी की रिपोर्ट। करने के लिए आज यहां उपस्थित हुए, किस मूल उद्देश्य था? बरेला क्षेत्र के उमरिया पंचायत के पोषक ग्राम केवलारी में आज हम सब लोग आए हैं। यहाँ माननीय मोदी जी के निर्देश पर हम लोग पक्षियों की चिंता भी करने का काम करना। अभी आपने देखा, दो दिन पुरानी बात है, पूरे देश में लगभग 75,000 स्थानों में विकलांगों को सुविधा देने का काम कर रहा है, उनके विभिन्न प्रकार की परीक्षा। अब यह तय किया गया कि हम लोगों ने जो परंपरा खोती जा रही थी, और यह तय किया कि अब हम पक्षियों को भी जल कुंडी के माध्यम से पानी देंगे, उनको पानी पीने के लिए सुलभता रहेगी। क्योंकि जहाँ दूर दूर तक के स्रोत कभी कभी सूख जाते हैं, तो अब गाँव वालों को जन जागरण के माध्यम से इस केवलारी ग्राम में आज हम लोग आए हैं, और जन जागरण का यह बिल्कुल सप्ताह भर कार्यक्रम चलेगा, और इसको हम लोग इन कुंडों को भेंट करेंगे और गांव के बच्चों को और माता बहनों को क्षेत्रीय जनों को हम लोग समझाई देंगे और समझाएंगे कि इस क्षेत्र में हमें पक्षियों की भी चिंता करना है। ये धर्म का काम है, ये वास्तव में जब वो पानी पियेंगे और तृप्त होंगे तो ये मान के चलो कि हमें भी प्रसन्नता होगी, और उनको भी जब तृप्त होंगे तो उनको भी एक आनंद का क्षण मिलेगा। उस स्थान पर अपन खड़े होंगे। आज इस कार्यक्रम में एक अनोखा कार्यक्रम था, तो आज केवलारी पंचायत केवलारी ग्राम में आज हम लोग आए हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्या थी, जो पानी की समस्या थी, हमने PHE से हमने मोटर भेज दी और इस काम को आज होना था, पर किसी न किसी कारण से लेबर आज अष्टमी थी, इस कारण कारीगर नहीं आए, इस कारण आज विलम्ब हो गया। तो मैं समझता हूँ कल नवमी में भी यही स्थिति रहेगी, तो आने वाले सोमवार मंगल के दिन इस क्षेत्र में पानी की समस्या का जो संकट है उससे हम निजात दिलाने जा रहे हैं। एक समस्या और सड़क की आई है, हमने इस जिस क्षेत्र के विषय में हमें वास्तव में जानकारी नहीं मिल पाई थी कि यहाँ पे सड़क की आवश्यकता है। इस ग्राम में हम शीघ्र अतिशीघ्र सड़क उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, ये बिल्कुल निश्चित माने, हालांकि बजट सत्र में इसको शामिल किया जाना चाहिए था, पर आज हम देर हो गई और हमने यहाँ पर संबंधितों को निर्देश दिए कि इसके समस्त दस्तावेज हमें उपलब्ध कराएं, हम इस सड़क को बनाने का काम करेंगे। ग्रामवासियों को आज आपके विधानसभा क्षेत्र कोलारी में गांव में आपकी पानी और सड़क की कई समस्याएं थी ऐसा, और आज विधायक मोदी जी आए, क्या आश्वासन दिया आप लोगों? ऐसा तो अच्छे दिए हैं कि मैंने हो जाएगा, यहाँ पर हल भी मोटर भी दिए हैं तो लग नहीं पाया है, वो मुख्य कारण दो चार दिन में लग जाएगा, तो पानी की थोड़ी हल हो जाएगा, माने निकल
तो जाके भर सकती रोड की समस्या है, बरसात में तो जा नहीं सकती बच्चे, स्कूल के बच्चे। बाकी आज विधायक महोदय जी ने बोला है।